मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोल के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज, रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। दादा, भक्तों की श्रृंखला में हिमांशु पांडे के संस्मरण सुनाने का कष्ट करें। ये हिमांशु पांडे जो है उस भक्तों की कड़ी का तीसरा मन का है। पहले उसके दादा थे राजीव लोचन पांडे, राजीदा साहब। वाह। उनका लड़का था दिवाकर पांडे, लड़का है मतलब अभी भी है वो प्रोफेसर दिवाकर पांडे, उनका ही लड़का हिमांशु पांडे हुआ, यानी तीसरी जनरेशन का पांडे। तीन पीढ़ियां महाराज जी की भक्त। हाँ, चौथी पीढ़ी और भक्तों की उनकी भी चौथी पीढ़ी आ गई है जी। तो हिमांश जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ भूमि आधार मंदिर गया हुआ था जी, दिल्ली रहता था मैं। भूमि आधार मंदिर जो है, माँ के दर्शन करने गया, माँ वहीं थी। तो माँ ने मुझसे कहा कि तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा माँ मैं यहाँ से दिल्ली वापस जाऊँगा। बोले ऐसा कर, ये बबूत दी उन्होंने मुझे, बोली मेरे पास बबूत है ये उसको लगा देना, पूनम के लगा हुआ है। अच्छा। मेरी हिमांशु पांडे की मदद जी, हिमांशु पांडे तो पैदा ही पैदा हुए थे। अच्छा। जाके बबूत लगा ले। तो मैंने कहा माँ ये लगा तो लूंगा लेकिन दिल्ली जाके सामान रख के कर लूंगा, नहीं पहले वहां जा। माँ जिद में आ गई, पहले वहां जाओ। मैंने कहा मैं शाम को तो पहुंची जाऊंगा दूसरे दिन। बोले नहीं, यहीं से जाओ सीधे उनके वहां जाओ, बहुत लगाओ। अब भाई मालिक का हुकुम है तो हम मान राजी हो गए। उस टाइम बस बस चला करती थी, बस से मैं आया रामपुर चढ़ के हल्द्वानी से मेरठ आया जी। तो मेरठ में पता चला कि फलाने फलाने नर्सिंग होम में पूनम, पूनम मेरी मौसी की लड़की, अच्छा मेरी मदर की रियल सिस्टर जी। तो पूनम जो है वो वहाँ नर्सिंग होम में है। वह सुबह 7 बजे नर्सिंग होम पहुँच गया जी। नर्सिंग होम पहुँच गया तो छोटा सा बच्चा, पिद्दी सा, बिल्कुल छोटा सा। मैंने कहा 1.5 दिन 2 दिन हुए होंगे। मैंने उसको लेके बहुत लगा दी, किराना की बहुत थी। अच्छा। अब देखो माँ ने कहाँ से कहाँ भेजा, उसके बाद फिर मैं घर आ गया, दिल्ली वापस आ गया। सास से थोड़ी देर माला का मुलाकात करी, सास ससुर से, मेरे घर आ गया जी। चौथे दिन मेरे भाई का, छोटे भाई का, मंजूर कुमार जोशी का फोन आया मेरे पास कि रबुदा हम लोग यहाँ आ रहे हैं, मेरठ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं जी। और मंतोष दा के लड़के की तबीयत बहुत खराब है, वो जो बच्चा बच्चा जो पैदा हुआ था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले उसका हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है, डेंजरस कम है, तो मेरठ मेडिकल कॉलेज से वहाँ भेज रहे हैं वो दिल्ली में। अच्छा। तो आप जरा पता लगाइए क्या करना है। तो मैंने फोन किया, उसका बिली रूबिन उसमें 24 था, छोटे से बच्चे का। मैंने फोन किया तो एक लेडी डॉक्टर थी, शायद उनका नाम भट्टागर था जी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं तो वो कर रही हूँ, नहीं उसके पहले मैंने फोन किया था हेड को जी, एम्स के हेड को। अच्छा। तो एम्स के हेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, उसने वो घर में नहीं था। फिर मैंने उनको पता चला एयरपोर्ट में है, तो मैंने एयरपोर्ट में उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा भांजा है। बोले मैं क्या कर सकता हूँ इस समय, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा आप धनवंतरी हैं, आप तो हमारे आप बचाने वाले हैं हमको, आप कैसे ना कर सकते। फिर बोले नहीं मैं आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इन टू द एयरपोर्ट, मैं तो अंदर आ गया हूँ। मैंने कहा फिर आप मुझे बताइए सरोगेट कौन है, आपने किसी को चार्ज दिया होगा। तुमने एक लेडी डॉक्टर का नाम बताया, भट्टाकर या मासूर ऐसे कुछ था, तो नंबर दे दिया उन्होंने। मैंने फोन किया तो हॉस्पिटल का नंबर था जी, हॉस्पिटल वालों ने फिर जब उनको परसुएट किया घर का नंबर दे दिया। मैंने उनसे जब बात करी तो उनके घर में कोई था नहीं, नौकर था है। वो कहीं कहीं शायद किसी फंक्शन में गई थी। फिर नौकर जो था इत्तेफाक से पहाड़ी निकला, पहाड़ का। तो मैंने उसकी लैंग्वेज बात करी और उसकी सिंपैथी को गेन किया। उसने कहा महाराज तुम्हारी आती बात करवा दूंगा। तो 11:30 बजे रात को उनका फोन आया, इरिटेटेड थी भाई अब किसी का। मैंने कहा किसी इमरजेंसी है। तो बोली क्या है, मैंने कहा ऐसे ऐसे है मेरा वो है भतीजा है और उसके ऐसे ऐसे मेरठ से रिफर हुआ है और उसका बिलिरुबिन बड़ा खतरनाक है 24 है। बोली इसको तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा।
तो आप ऐसा करो, यहाँ तो एम्स में बहुत टाइम लग जाएगा, आप गंगाराम में ले आओ, गंगाराम हॉस्पिटल है, गंगाराम चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो रात को 12 बजे मैंने फोन किया, जब तक ये लोग दिल्ली में आ गए थे, एक दीप नारायण पांडे जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके घर ठहरे थे। अच्छा। उसके सगे चाचा हुए राजीव मामा के, राजीव के छोटे भाई में जी। तो वहां जाके मैं पहुंचा तो वहां एक सबसे छोटे भाई थे हरिओम प्रकाश पांडे जी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, ऐसे आस पास अस्पताल ले जा रहे हैं, बच्चे को भर्ती करेंगे, तो अब रात को कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी, रात को अभी ले जाएंगे। वहां जाके हमने भर्ती कर दिया। इतने में डॉक्टर आई तो उसने कहा हमको 2 बोतल ब्लड की जरूरत है जी। तो हम लोग जो है करोल बाग से ब्लड बैंक से ब्लड ले आए। अब देखो छोटा पिंडा सा बच्चा, 4 दिन की है, 5 दिन की उसकी वो होगी, और वो जबरदस्त उसको पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रही है, हेपेटाइटिस कह रही है। तो उसने ब्लड दिया, फिर आके बोली कि अभी तो दे दिया लेकिन उसको फ्रेश ब्लड की जरूरत पड़ेगी तुरंत के तुरंत। हाँ, ताजा फूल चाहिएगा, और इसको हमको ब्लड बैंक से क्या पैलेट्स कहते हैं, ब्लड पैलेट्स वो ला के हमको इन्फ्यूज करने पड़ेंगे अंदर। फिर मैंने हर जगह खबर करी, अपने दोस्तों को खबर करी। ठकराल साहब जिनका मैं किस्सा सुना चुका हूँ, उनका एक इंजीनियर था, उसका नाम था कर्नल दरियाब सिंह जी, नहीं उसका नाम था मेजर दिलीप सिंह। अच्छा, मेजर दिलीप सिंह, दिलीप सिंह एमईएस का था जी। उसने कहा भाई मेरा ब्लड है, आप ले लो। बल्कि मजाक भी किया, भैया देखो थोड़ा सा इसमें फौजी आदमी हूँ, बच्चे को नशे होने की आदत तो हो गया, मजाक करी। तो उसने 2 यूनिट ब्लड दिया, हमने उसको फ्रीज करवाया। फ्रीज करवाने के बाद उनको हमने देना शुरू किया ब्लड। आप समझो कि उसने बच्चे को इतने खतरनाक हालत से, दावानल से गुजरा बच्चा, वो तो बबूत पहले ही लग गई थी, माता ने देख लिया था। 15 दिन के बाद इलाज तो पहले ही हो गया था। 15 दिन के बाद वो वापस आ गया हिमांशु। आज वो हिमांशु 32-33 साल का हो गया है, 34 साल का हो गया होगा, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो पांडे की 4th जनरेशन आ रही है जी। माँ ने देखो ना, भगवान जो है, माँ ने मुझे दिल्ली नहीं भेजा, छा अभी जा। तो वो तो किस मुहूर्त में बहुत लगनी थी, वो भी तय हो गया। और कब लड़के को अस्पताल जाना है, इन्वॉल्व कौन हुआ मैं जी। तो हम उसको बहुत दिन तक उस बच्चे को ठाकुर साहब कहते थे, क्योंकि उसका 2 बोतल खून उसका था जी, कर्नल साहब का, मेजर साहब का जी। तो मित्रों, ये श्रृंखला मैं आज दिलीप कुमार साहब को याद कर रहा हूँ कि रब्बू दादा के मुखारविंद से आप सुन रहे हैं, क्योंकि दिलीप साहब ने राज कपूर के साथ काम किया था, राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया, फिर उनके और 4 पीढ़ियों के साथ दिलीप कुमार जी ने काम किया था, और वो ऐसे महानतम नायक रहे। हमारी इस श्रृंखला के भी महान नायक 4-4, 5-5 पीढ़ियों की श्रृंखला बता रहे हैं। दस्तक मीडिया एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करती है, और अगले अंक में फिर रब्बू दादा से एक नया संस्मरण सुनवाएंगे। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।